डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः क्लास टेंथ से रिलेटिव प्रोज लेसन नंबर 4 आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेसन का नाम है सोक्रेटिस सुकरात, जिसके राइटर हैं रोडा पावर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 इस चैप्टर से रिलेटिव मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके वहां से स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल के लिए क्या नए हैं तो हम चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्टूडेंट्स, फिर आइए इस चैप्टर का स्टडी करते हैं। आज हम देखेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए फिर देखते हैं। यहां लिखा है, बट दाउ ऑल दो मेनी पीपल लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड हिज विजडम, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। या हिम सुकरात के लिए आ रहा है, देखते हैं फिर इसका है क्या होगा, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। बट ऑल दो, और यद्यपि, परंतु, और यद्यपि, मेनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को यद्यपि बहुत लोग पसंद करते थे, एंड डिलाइटेड हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी अर्थात बुद्धिमता की क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। तो देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, परंतु उनमें से बहुत ऐसे थे जो उसके बातों पर ध्यान नहीं देते थे, अर्थात उन्हें उनका बात अच्छा नहीं लगता था। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, जैसे कि यह बात सच है कि जहां अच्छाई है वहां बुराई जरूर है। फिर देखते हैं आगे, ही टॉट दैट मैंस ऑन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर देन गॉड। यहां कहने का मतलब, ही टॉट दैट, उन्होंने अर्थात सुकरात ने यह शिक्षा दी थी कि मैंस ऑन माइंड, कि मनुष्य की जो व्यक्ति का जो अपना मस्तिष्क होता है, वह इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट, जो उसके आचरण को मोर देन द गॉड्स। हम कह सकते हैं मनुष्य का जो अपना मस्तिष्क होता है उसके आचरण पर देवताओं से अधिक क्या प्रभाव डालता है। आइए फिर देखते हैं, दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया। यह कुछ लोगों को अच्छा अर्थात नवीन और कुछ को दुष्टतापूर्ण विचार लगा। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other. और उसने यह भी कहा था, अर्थात सुकरात ने यह भी कहा था कि एथेंस नामक जो देवी हैं, गॉड्स ऑफ ग्रीस, एथेंस नामक जो देवी है उनके समक्ष, मतलब एथेंस के देवी के सामने सेक्रीफाइस अर्थात बलिदान देने से भी, अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अच्छा है, अच्छा और भी अधिक काम है। एक बार और देखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं, ही सैड दैट देयर वेयर हायर एंड नॉबलर डिट्स, बहुत अच्छे और श्रेष्ठ कार्य हैं मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। सुकरात यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एथेंस नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने या देने से भी अधिक अच्छा कार्य है। एंड मेनी पीपल थॉट, और बहुत लोग ने ऐसा सोचा, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहा है, क्वेश्चनिंग ऑल दैट, उनसे प्रश्न करके, दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, उन्हें विश्वास दिलाकर एंड फीलिंग हिज माइंड्स विद डाउट्स, और उनके दिमागों में क्या कर दिया, ये भ्रम पैदा कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं वह उन बातों का प्रश्न मतलब करता था जिसे अन्य जो लोग थे वह यह समझ गए थे कि यहाँ के नौजवानों को यह दिग्भ्रमित कर रहा है, उनसे क्वेश्चन करके उनके दिमाग को पूरे डाउट से क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। आइए फिर देखते हैं, द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन सोक्रेटिस टू अपियर बिफोर दैम, और वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे होते हैं वह सुकरात को अपने समक्ष बुलवाया एंड
टू स्टैंड हिज ट्रायल, अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एक्सेप्ट और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। यहाँ हिज फ्रेंड बेग्ड हिम, उसके जो दोस्त थे अर्थात सुकरात के जो मित्र थे, वह यह निवेदन किए कि वह कहीं भाग जाए एथेंस से, मतलब कहीं दूर भाग जाए, और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, और जब तक कि यह तूफान हट न जाए तब तक वह वापस न लौटे। आइए फिर देखते हैं। बट सोक्रेटिस वाज नो कोवर्ड, लेकिन सुकरात कोई डरपोक नहीं था। ही न्यू डैट, उसने वह जानता था, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। एंड डैट ही हैड ओनली थॉट, और उसने मात्र यही शिक्षा दी थी, वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिसमें वह उसने यह शिक्षा दी थी कि जिसे वह उचित और ट्रू, सत्य एंड ऑनरेबल, और सम्मान कह सकते हैं, सम्मानित समझता था। उसने यही केवल शिक्षा दी थी। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और अतः वह कोर्ट की तरफ चल दिया अर्थात न्यायालय में चल दिया। हिज क्लॉथेज एंड शूज वर डस्टी, उसके कपड़े और जूते क्या हो गए थे, धूल से भर गए थे। एंड ट्रेवल स्टैंड घिस गए थे। बट एवरी वन न्यू डैट, परंतु हर कोई जानता था, दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैवी गारमेंट, कि इस भद्दे गंदे कपड़े के अंदर एक श्रेष्ठ हृदय निवास करता है। आइए फिर नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं। He made a powerful and dignified speech. उसने अर्थात सुकरात ने शक्तिशाली व dignified उच्च कोटि का भाषण दिया अर्थात गौरवपूर्ण भाषण दिया। He told the Athenians, और उसने एथेंस वासियों से कहा, that they would gain nothing by taking away, कि वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अर्थात उसने एथेंस वासियों से यह कहा था कि वे उसके मतलब अंतिम जीवन के क्षण में कुछ अप्राप्त नहीं कर सकते। बट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, लेकिन वह सच्चाई के लिए ऐसे हजारों या ऐसे कई मौत मरने को वह क्या था, तैयार था। द जजेज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उन्हें सुना अर्थात सुकरात को सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न किया। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, वह वृद्ध व्यक्ति अर्थात सुकरात कोई कंप्लेन शिकायत नहीं की। ही लिंड ऑन हिज स्टिक, वह अपने छड़ी पर क्या झुक गए। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और जो भीड़ रहित, जो भीड़ से मतलब एकदम भीड़ जो वाला जो कोर्ट था, वह उसके चारों ओर क्या देख रहे थे। प्लेटो एंड अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, और उस समय प्लेटो और उसके अन्य जो शिष्य थे उस कोर्ट रूम में हाजिर थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया कि कोई भी बुराई एक अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं घट सकती है, आइदर इन लाइफ, या तो वह व्यक्ति जीवित हो, और आफ्टर डेथ, या मृत्यु के बाद, या कोई भी कह सकते हैं अच्छा जो काम होता है वह किसी, कोई भी काम हो मतलब कोई भी बुराई हो, वह किसी अच्छे व्यक्ति के रहते हुए या उसके बाद घटित नहीं हो सकता। सो बी गुड चेयर्स, इसलिए आप प्रसन्न रहिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर्स ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव, मेरे जाने का प्रस्थान का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वे, और हम अपने रास्ते जाएंगे। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लीव, स्टैंडर्ड मस्त बढ़िया सेंटेंस है, यू टू लीव, और तुम्हें जीना अर्थात आप लोगों को जीना है। देन द सोल्जर्स कैम, तब सैनिक आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे कारागाह मिलेगा सुकरात को कारागाह में। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज थ्री चिल्ड्रेन, और उनकी पत्नी अर्थात सुकरात की पत्नी भी अपने तीन बेटों के साथ उनका अनुसरण कर रही थी, उनके पीछे पीछे थी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर ऑल्सो विद हिम, और उसके अन्य भी कुछ शिष्य जो थे, प्रिय जो शिष्य थे, उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय तक दे
टॉक टू हिम, कुछ लंबे समय तक वह उनसे बातें के सुकरात से, एंड ही टॉट दैम मेनी वाइज लेसन, और उस दौरान उन्होंने अर्थात सुकरात ने उन्हें बहुत सी बुद्धिमता की पाठ पढ़ाई, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जिसे वे अर्थात उनके शिष्य सुकरात के शिष्य उन्हें खजाने के रूप में अपने दिल में क्या बसा लिए वो। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, परंतु हर समय उनके मित्र यह बात जानते थे दैट सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात अब शीघ्र ही मर जाएंगे। दे वर सैड, वे दुखी थे, फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है अपने किताब में, अफलातून एक किताब है उसमें लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, वह सुकरात को एक अपने पिता के तुल्य मानता था, हु वेयर बींग बीवर्ड, जो अब एकदम बिल्कुल उनसे अलग हो रहे थे वह, अर्थात अपने पिता के बिना रहना उन्हें रहना पड़ेगा, यह बात बताया गया है। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन, और हमें अब अपने जीवन का जो शेष भाग है एक ऑर्फन के अर्थात एक अनाथ के समान व्यतीत करना है। अब आगे देखते हैं, फिर आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री ट्रॉप्स, हम कह सकते हैं आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, पेड़ के चोटियों के पीछे से मतलब सूर्य अस्त होने के पश्चात, द जेलर कैम इन एंड आस्क सोक्रेटिस, मतलब जेलर आया और सुकरात से कहा टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कितना डरावनी ये बात होगी जब आपका मृत्यु का समय आए और यदि आपसे कोई व्यक्ति कहे मरने को तैयार हो जाओ। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, और एथेंस में जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जाती थी, तो दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें एक कप जहर का एक कप मतलब दिया जाता था, एक कप जहर उन्हें दिया जाता था, एक प्याला। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानता था, एंड ही नोडेड टू द जेलर, और उसने जेलर के तरफ अपने सिर झुकाते हुए मतलब हिलाते हुए कहा मतलब हिलाया, हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो वह जेलर जो था उसके तरफ दुखी पूर्वक देख रहा था और उसने कहा, यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात, होम आई नो टू बी द नोबलेस्ट, जिसे मैं इतना श्रेष्ठ एंड जेंटलेस्ट और इतना नेक एंड बेस्ट ऑफ ऑल और सबसे प्रिय सबसे बेहतर सबसे अच्छा मानता था, हु इवर केम टू दिस प्लेस, जो तुम इस स्थान पे आए हो, विल नॉट बी एंग्री विद मी, तुम उस पर नाराज तो नहीं होगे, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, कि मैं अन्य लोगों की तरह अर्थात अन्य जो आते हैं मुजरिम उनकी तरह यदि मैं तुम्हें जहर का मतलब दूँ मतलब प्याला एक प्याला जहर अगर दूँ तो क्या तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, और इसमें मेरे कोई अपराध नहीं है। बर्स्टिंग इन टू टीयर्स ही वेंट आउट, आंसू उसके निकल रहे थे और इस दौरान वह बाहर आया, एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और वह एक जहर एक कप मतलब प्याला जहर का एक कप कह सकते हैं एक कप वह जहर लेकर आया। अब देखिए फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड सेट सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप ऑफ लीफ, सुकरात ने कहा, ये बहुत ही अजीब लाइन है आप समझ सकते हैं यहाँ पर, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, के भगवान अर्थात ईश्वर देवतागण इस संसार से दूसरी संसार कि मेरी यात्रा को क्या सफल बनाए, प्रॉस्पर सफल बनाए, संपन्न बनाए। सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने इस बात को कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, उसने अपने ओट से क्या उस कप को लगाया। हिज पीपल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, और उसके जो शिष्य थे वो अपने आंसुओं को रोकना चाहते थे, बट वन सॉब्ड लाउड, परंतु उनके शिष्यों में से एक आवाज निकाल कर शिष्य की लिया, and this distress the other, और यह सुनकर
दूसरा भी ऐसा करने लगा एंड सून और शीघ्र ही द रूम वॉज फिल्ड विथ साउंड ऑफ वीपिंग और शीघ्र ही वह पूरा रूम जो था वह रोने की आवाज़ से क्या हो गया पूरा गूंज गया। बहुत दुखद ये यहाँ से स्टोरी है। फिर आप देख सकते हैं सोक्रेटिस पॉज विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। अब सुकरात अपने हाथ में अभी वह प्याला जो जहर का जो एक कप जो जहर था उसे अभी पिया नहीं था तब तक वह क्या रुक गया। अनफिनिश्ड ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड अपने हाथ में लिए पॉइजन को क्या रुका कुछ समय। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज वॉज ये कैसी विचित्र आवाज है ही आस्क उसने पूछा। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस और मैंने ऐसा सुना है कि व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो उन्हें अर्थात मनुष्य को शांति से मरने चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए अर्थात तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट शांत रहो एंड हैव पेशेंस और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेम्बरिंग समवन और इसी बीच सुकरात जो थे वह चारों तरफ देख कर कुछ याद किए तब उन्होंने क्राइटो से कहा। क्राइटो ही विस्पर्ड वन ऑफ हिज पीपल वह एक अपने शिष्य में से क्राइटो जिसका नाम है क्राइटो को फुसफुसा के धीरे से मतलब वह कहे कैन यू डू मी अ फेवर क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। यहाँ क्राइटो से वह धीरे से मतलब कह रहे हैं क्या तुम मुझ पर एक कृपा करोगे मेरा एक काम करोगे। आई वो ए ऑक टू इकुलोपियस हम बोल सकते इसको लोपियस क्या तुम मुझ मतलब मेरे लिए कृपा कर सकते हो मुझे इकुलोपियस को एक मुर्गा क्या करना है भेंट चढ़ाना है। विल यू पे द डेब्ट क्या तुम मेरा यह कर्ज का अदा करोगे अर्थात क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे। आई शैल बी पेड क्राइटो सेड क्राइटो क्राइटो ने कहा कि हाँ आपका ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस इट शैल बी पेड यह चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स और भी कुछ है अर्थात और भी कुछ कहना है। ही वेटेड उसने इंतजार किया बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सुकरात लेकिन सुकरात के तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। द ग्रेटेस्ट अब जैसा कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स वॉज डॉट डेथ जैसे कि आप कह सकते हैं वह क्राइटो जा था उत्तर के लिए क्या प्रतीक्षा किया लेकिन ग्रीक का मतलब होता है यूनानियों में से सबसे जो क्या था श्रेष्ठ जो था अर्थात सबसे महान व्यक्ति जो सुकरात था उसकी क्या हो चुकी थी मृत्यु हो चुकी थी। स्टूडेंट्स जैसा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सो स्टूडेंट्स थैंक्स दैट्स ऑल।